अस्सलाम वालेकुम। तो अब ये जो एम्प्लॉय हैं, जो ये जो क्लाइंट साइड है, इसके लिए सेम वही प्रोसीजर है जो मैंने एडमिन के लिए बनाया था। सिर्फ डिफरेंस ये है कि यहाँ पे सिलेक्टेड फ्रॉम एम्प्लॉय करोगे, वहाँ पे एडमिन था, यहाँ पे एम्प्लॉय है। बस इतनी सी फ़र्क है, बाकी आप इसको अनडेक्स डॉट पी एच पी पे कर दो, रिडायरेक्ट। बस इतनी सी फ़र्क है। यहाँ पे मैंने अलग सी एस एस क्रिएट नहीं किया, लेकिन आप चाहो तो करके ऐड कर दो। वही पास्ट वीडियो फॉलो करो, बस सिर्फ ये एक चेंजेस था। और बाकी जब आपने एक चीज़ नोटिस की, ये जो आइकन नज़र नहीं आ रहा, तो इसके लिए आप कोई भी आइकन डाउनलोड करो और अपने फोल्डर में रख दो, और यहाँ पे इसका लिंक दे दो, तो ये भी वर्कीबल फॉर्म में आ जाएगा। ओके, तो लेट्स सी। तो मेरे पास एक एम्प्लॉय, इसका ईमेल ये एग्जांपल, तो इसको मैं ट्राई करता हूँ। ये एग्जांपल वन, ये इसका, सॉरी, इसको कॉपी करके पेस्ट। इसका पासवर्ड है 123, तो ये आ गया। और मैंने एक लॉगआउट लिंक बना दिया, इसको लॉगआउट डॉट पीएचपी से लिंक कर दिया। ओके, और हाँ, एक और चीज़ थी कि इसको फिर आप इनपुट टाइप पासवर्ड कर दो, उसी तरह इसका सी एस एस भी चेंज कर दो। तो ये चीज़ थी। और बाकी जो दूसरा जो एरर आपको आएगा वो ये होगा कि जो एडमिन था उसके लिए हमने ये डबल स्लैश इस तरह लिखा था, लेकिन इसके लिए आप ये रिमूव करोगे जिस डीबी कनेक्ट डॉट पी एच पी लिखोगे, क्योंकि ये डीबी यहाँ पे पड़ा है। इसी तरह हेडर में भी इसको जिस देखो, मैंने लॉगआउट का एक लिंक कॉपी किया और इसको लॉगआउट डॉट पी एच पी से कनेक्ट कर दिया। और यहाँ पे सेम वही प्रोसीजर है, बस जस्ट सिर्फ ये सिलेक्टेड में थोड़ा चेंजेस था। ठीक है, तो आई होप आप ये फॉलो कर, मतलब ये खुद ही कर लोगे, और मैं फिर आगे जो आगे का काम है वो मैं फिर कर लूँगा नेक्स्ट वीडियो में, मतलब ये प्रोफाइल शो करना और अटेंडेंस वगैरह, या हम अगली वीडियो में करेंगे। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।